ऑल राइट आई थिंक एम लाइव आजा भाई लाइव क्या हो गया भाई हां जी ऑल राइट सो गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू आई एम लाइव कैसे हैं आप सभी लोग गुड मॉर्निंग सतीश राय गुड मॉर्निंग कोवल कवर कोमल कंर गुड मॉर्निंग पीके चावत ऑनलाइन नॉलेज गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मोहम्मद समीर गुड मॉर्निंग पोके किंग, पोके किंग, पोके कैसा वाला सतीश राय गुड मॉर्निंग मोदी जी मोदी जी आ गए भाइयों बहनों मित्रों क्या बात है मोदी जी मोहम्मद समर समीर गुड मॉर्निंग अंशुल सर का नादान परिंदा गुड मॉर्निंग

गुड मॉर्निंग यश राज सोनी गुड मॉर्निंग कनक गोयल गुड मॉर्निंग भगत, गुड मॉर्निंग मोदी जी गुड मॉर्निंग के एस अंकिता यशस्वी उपाध्याय यूट्यूब इंडिया कोमल कमर कनक गोयल सतीश राय वेरी नाइस अमेजिंग और एक बार फटाफट से आप सारे लोग वीडियो को लाइक कर दो यूट्यूब पे बॉक्स में निश्चय निश्चय कर दो और हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपना आज का मुद्दा जो है मेरे बाप की बेटी मे को भाई बोलती मेरे बाप की बीवी मे को बेटा बोलती मेरी माँ का भाई मे को भाजा बोलता मेरे भाई की बेटी मेरे को चाचा बोलती ठीक है सर ऑन So, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर नए हैं हम लोग ब्लड रिलेशन कर रहे हैं और ये ब्लड रिलेशन का आज तीसरा लेक्चर है जो हम लोग आज करने जा रहे हैं so, क्लास कर है। है। कंडक्ट करता हूं चाहे लाइव आऊ चाहे रिकॉर्डेड हो चाहे प्रीमियर हो चाहे बस एक वीडियो अपलोड हो लेकिन रोज सुबह दस बजे यहां पर क्लास चलनी है तो रोज सुबह दस बजे यहां पर क्लास चलनी है नीशु भैया की रोज सुबह यहां पर क्लास चलती है और आपके अपने भैया यहां पर आते हैं और आप लोगों को कुछ ना कुछ पढ़ा के ही जाते हैं और बाकी मंडेज और Wednesdays को वेन्सैडमी प्लस के एकाग्रता बैच में, में मेरी क्लासेस लाइव चलती है जो कि शाम को फाइव फोर्टी फाइव पीएम सेवन फोर्टी फाइव पीएम तक चलती है राइट तो हम लोग कर रहे थे ब्लड रिलेशन ब्लड रिलेशन में हम लोगों ने बहुत कुछ कर लिया कई सारे क्वेश्चंस कर लिए और कल भी मैंने आप लोगों को चौदह क्वेश्चंस होमवर्क में दिए थे और आप में से कई सारे लोगों ने कल वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उसके आंसर्स भी पोस्ट किए थैंक यू सो मच एवरीवान जिन लोगों ने भी कल के कम, uh, कल की वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पोस्ट किया थैंक यू सो मच एवरीवान लेट्स मूव ऑन लेट्स लुक एट द क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिए थे 14 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिए थे एक बार फटाफट से उन 14 क्वेश्चंस को देखते हैं और उसके बाद फिर हम लोग अपना मुद्दा आगे बढ़ाएंगे जिसमें आज हम लोग कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे ठीक है आज हम लोग कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करेंगे तो आर यू गाइस एक्साइटेड विद मी एवरीवन हाउ इज जोश कम ऑन चैट सेक्शन में जोश चाहिए मेरे को हाउ इज जोश एब्री अरे गुड मॉर्निंग ब्लड रिलेशन तो मैं पहले खत्म कर चुका हूं क्या बात है यूट्यूब इंडिया सीए स्टूडेंट अंकित पांडे शंकर अंकित सतीश ऋतिक कुमारी निमी, तुबा नजीम हिमांशी सो संजय स्नेहा बैनर्जी आस्था शुक्ला आस्था तुम्हारी दोस्त का है रिया है आशा कहा है तुम्हारी दोस्त रिया और वो एशता चावला अरे रिया आई तो है यहां पर रिया भी आई है चलो ठीक है यस सर रिया भी यहां पर आई हुई है तो वाह नादान परिंदा कुमारी निम्मी वेरी नाइस ऑल ए ग्रेट तो जोश सबका यहां पर आई है हम लोग यहां पर पूरी की पूरी मस्ती से शुरू करने जा रहे हैं अपना ब्लड रिलेशन बस एक छोटी सी तू मेरी अधूरी प्यास प्यास बस बहुत थोड़ी सी गुजारिश है आप लोगों से कि आप वीडियो को लाइक कर दो जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर इस सेशन को देख रहे हैं आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और राइट लेट्स गेट स्टार्टेड विद विद दिस दिस सेशन नाउ क्वेश्चन नाउ तो देखो पी एन क्यू आर ब्रदर्स आर एंड एस आर सिस्टर्स पी एन क्यू आर ब्रदर्स आर एंड एस आर सिस्टर्स पी इज सन इज एस इज ब्रदर हाउ इज क्यू रिलेटेड टू आर तो मैं अपने आप को क्या मानूंगा मैं अपने आप को आर मान लूंगा बड़ा सिंपल मैंने अपने आप को आर मान लिया उसके बाद आर एंड एस आर सिस्टर्स तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि मैं लड़की हूं ठीक है और एस जो है वो मेरी बहन है एस मेरी बहन है अब लिखा है पी का जो बेटा है वो एस का भाई है पी के बेटे का नाम दिया नहीं है पी के बेटे को हम लोग जेड मान लेंगे तो जेड जो है वो एस का भाई है एस मेरी बहन है अगर जेड मेरी, मेरी बहन का भाई है तो वो मेरा भी भाई होगा तो यहां पर मैं लिख देता हूं जेड जो है वो मेरा भाई है ठीक है उसके बाद जेड जो है वो पी का बेटा ना पी का बेटा है ठीक है तो वो पी का बेटा है तो मेरा भाई अगर किसी का बेटा है तो मैं उसकी बेटी होंगी तो पी या तो मेरे मॉम होंगे या तो मेरे डैड होंगे राइट फिर यहां पर लिखा है पी एंड क्यू आर ब्रदर्स तो मतलब पी मेरी मॉम तो हो नहीं सकती पी मेरे डैडी होंगे तो यहां पर मैंने लिख दिया पी इज माई डैड पी इज माई डैड एंड क्यू जो है क्योंकि वो पी के भाई है मेरे डैड के भाई है तो क्यों हो जाएंगे मेरे अंकल तो 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 हाउ इज क्यू रिलेटेड वार ऑप्शन आंसर आई एम श्योर सब समझ में yes. होगा हो ये बारा क्वेश्चन तो आशा गुड मॉर्निंग तो, तो बोलो अंकित पांडे आस्था से कह रहा है आस्था गुड मॉर्निंग तो बोलो अरे नहीं बोला यार गुड मॉर्निंग तुम्हें तुम क्यों पीछे पड़े हुए हो उसके है नहीं बोलेगी वो गुड मॉर्निंग क्यों बोले वो गुड मॉर्निंग तुम्हें ठीक है नहीं बोलेगी यूट्यूब इंडिया वी आर टर्मिनेटिंग योर स्ट्रीम बिकॉज यू आर टीचिंग टू वेल रेस्ट ऑफ द टीचर्स जॉब इज इन डेंजर क्या बात है यूट्यूब इंडिया आपने मेरे को एकदम एक बार के लिए ही दिया था बट ठीक है चलो ठीक है अरे स्टूडेंट अंकल रिया निश्चय बोली थी बताओ आशा भी कह रही है उसको कि मैं बोली थी कल ये आशा और रिया आपस में बातें किए जा रहे थे आज ये आशा और अंकित आपस में मेरे ख्याल से बातें करेंगे चलो बड़ा मजा आएगा मुझे एक्चुअली बड़ा मजा आता है आप लोग के यहाँ पर चार्ट देख के बस एज लॉन्ग एज यू स्टे इंटरक्टिव विद मी एस वेल आपस में जितनी बातें करनी वो करो और क्या ऑनलाइन बनाओ मजा आएगा ज रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड ए सी और ए के, मतलब के, के बीच में क्या रिलेशनशिप है मैं काम करता हूं मैं ए बन जाता हूं अपने आप को। मैं बन जाता हूं ए तो मैं बन गया ए A. अच्छा ए एंड बी आर द C, तो ए और बी बी या तो मेरा भाई होगा या तो मेरी बहन होगी और हम दोनों सी के बच्चे हैं तो सी या तो मेरी मॉम है या तो मेरी डैड है ठीक है सी या तो मेरी मॉम है या तो मेरे डैड है इफ सी इज द मदर ऑफ बी सी जो है वो मदर है सी जो है मदर है मदर तो डैड वाला पोर्शन तो हट गया मदर ऑफ बी बट ए इज नॉट द डॉटर ऑफ सी ए जो कि मैं हूं मैं सी का डॉटर नहीं हूं मैं डॉटर नहीं हूं तो मैं सन हूं तो बड़ी अच्छी बात है ठीक है आई एम द सन देन वट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड ए सी और ए के बीच में तो सी मदर ए सन तो सी और ए के बीच का जो डिफरेंस रिलेशन uh, है वो क्या है मदर एंड सन का रिलेशन है ऑप्शन सी इज योर आंसर आई एम श्योर सब समझ में आ गया बोलो बोलो बो नि पर्सनल चैट सर हां जी एकदम पर्सनल चैट जी नहीं राहुल चैट इधर नहीं होती पर्सनल चैट इधर नहीं होती आस्था शुक्ला से डांट खा गया भाई तू राहुल तू डांट खा गया आ गया जी नहीं राहुल पर्सनल चैट हम इधर नहीं करते ओके आई टू मेक माई प्राइवेट लाइफ स्टे प्राइवेट और राइट आई डोंट वॉन्ट मेक माई प्राइवेट लाइफ पब्लिक और राइट गेरिंग इट तो ये आशा शुक्ला ने तो आपको बता दिया ठीक है सर मैं एट नाइन टेन में स्कूल नहीं गया था ड्यू टू तो पर्सनल एंड हेल्थ इशू आई टेकन मैथ्स और आई आई डोंट नो इवन इक्वेशंस कोई फर्क नहीं पड़ता पार्थ आपको जितना भी आता है नहीं आता है उससे बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जब मैं यहां पर पढ़ाता हूं मैं एकदम बेसिक से पढ़ाता हूँ ठीक है मैं फ्रैक्शन भी पढ़ाता हूं जो क्लास फोर्थ में पढ़ाया जाता है ना फ्रैक्शन मैं वो भी पढ़ा देता हूं जहां जहां, जहां जैसी जैसी जरूरत होती है मैं कुछ भी अज्यूम करके चलता ही नहीं मैं अज्यूम करके चलता हूँ जिंदगी में किसी ने मैथ्स नहीं पढ़ी ठीक है मैं बिल्कुल मैथ्स जब पढ़ाता हूं मैं बिल्कुल वैसे ही पढ़ाता हूं तो मैं एकदम फ्रैक्शन से भी पढ़ाता हूँ क्लास फोर्थ में जो मिक्स फ्रैक्शन होते हैं ना फ्रैक्शन का एडिशन में एच सी एफ एल सी एम तक निकालना सिखाता हूं यार यहां पर जहां जहां जितना जितना आप लोगों के सिलेबस में जरूरत होती है मैं उतना उतना तक पढ़ा देता हूं तो बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है अगर सीए में आपका मन है अगर सीए ए परसू करने का आपका मन है तो सिर्फ मैथ्स की वजह से यह डिसीजन नहीं होना चाहिए कि ओ मैं सीए नहीं करूंगा बिकॉज मैंने मेरे पास मैथ्स नहीं थी मैथ्स की गारंटी मैं ले रहा हूं मैं खुल के बोल रहा हूं मैथ्स की पूरी की पूरी गारंटी मैं ले रहा हूं बाकी सब्जेक्ट्स में आपको मेहनत करनी होगी लेकिन मैथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मेरी गारंटी है ठीक है राइट चलिए जी लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने ए इज द मदर ऑफ डी एंड सिस्टर ऑफ बी ए जो है वो डी की मदर है बी के सिस्टर है

सैटरडे, यानी परसों, आज थर्सडे हो गया तो परसों क्योंकि कल ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा तो सैटरडे को सुबह दस बजे हम लोग यहां पर मिलेंगे और एक वीकली रिव्यू वाला सेशन रखेंगे और आस्क मी एनीथिंग वाला सेशन रखेंगे उसमें हम लोग बात करेंगे और फिर जो आप लोगों की रिक्वायरमेंट्स होंगे ठीक है कौन बनेगा मैथमेटिशियन तो पुरानी चीज हो गई आई बी कमिंग अप विद समथिंग न्यू और मे बी कौन बनेगा मैथमेटिशियन का भी नया सीजन आ जाएगा बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है आपका भी सब कुछ होगा और बाकीियों से बेहतर होगा बिकॉज एवरी बैच हर बैच में पिछले बैच से कुछ ना कुछ बेहतर तो होता ही होता है तो आप लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ बेहतर जरूर होगा ठीक है अब मेरे को जल्दी से बताओ यहां पर मैं अपने आप को क्या मानूंगा तो मैं अपने आप को डी मानूंगा बात कह रहा है सर शुड आई टेक सब्सक्रिप्शन और यूट्यूब इज नहीं सब्सक्रिप्शन इज मस्ट प्लस इज मस्ट क्योंकि प्लस में बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें मिलती हैं जो यूट्यूब पर नहीं हम लोग करवा पाते हैं प्लस में बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं बहुत सारे टेस्ट होते हैं बहुत सारी क्विज होती है आरटीपीज टीपी एम टीपीज पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन मॉक टेस्ट पेपर वगैरह बहुत कुछ होता है तो आप लोगों को प्लस तो ले ही लेना चाहिए एंड वाइल टेकिंग प्लस प्लीज यूज माई कोड निश्चेंट टू गेट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट तो आप सब लोगों ने बिल्कुल ठीक बताया हाउ इज जी रिलेटेड टू डी तो मुझे अपने आपको डी मानना होगा

अरे मेरी फॉलो रिक्वेस्ट में कितने बंदे पेंडिंग आ गए गॉड oh जीवा क्या बात है तो आप लोग फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दो ठीक है और यहां पर चैट बॉक्स में निश्चय निश्चय कर दो अरे आशा तुम सब पर... मेरे को लगता है ये रिया और आशा जो है ना ये आपस में बस ऐसी बातें करने आती हैं पढ़ाई लिखाई से कुछ खास मतलब है नहीं बस आ जाते हैं मतलब बाई प्रोडक्ट होता है यूट्यूब की क्लास में आ गए बाई प्रोडक्ट है कि थोड़ा बहुत अगर ब्लड रिलेशन आ गया तो आ गया बाकी तो गॉड द जीवा नो इंस्टाग्राम पे इतने सारे बंदे मेरे को फॉलो करने के लिए पीछे लोग यू नो लाइन लगा के खड़े हुए हैं I mean, no, <laughs> मैं किस किस की फॉलो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूँ मेरे को समझ में ही नहीं आता है राइट right? सीरियसली चलो जी बहुत बढ़िया लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सर सब पहले ही सॉल्व कर लिया वेरी गुड आस्था बहुत बढ़िया

मैं भी लड़की हूं और सी एंड डी सिस्टर्स हैं तो डी जो है वो मेरी बहन है अब ए का जो बेटा है वो डी का भाई है ए के बेटे का नाम नहीं पता उसको जेड बोल देते हैं सो so जेड जो है वो डी का भाई है जेड हो गया मेरा भी भाई क्योंकि मेरी बहन का भाई है तो मेरा भी भाई है और ये ए का बच्चा है तो ए जो है ये मेरे डैड हो गए डैड कैसे पता चला क्योंकि यहां पर लिखा है ए एंड बी आर ब्रदर्स तो बी जो है वो मेरे डैड के भाई हो गए और ये हो जाएंगे मेरे अंकल तो हाउ इज बी रिलेटेड टू सी बी इज माई अंकल ऑप्शन सी इज योर आंसर आई एम श्योर सब समझ में आ गया बोलो निस्टेड फॉर रेवर बोलो निस्टेड फॉर रेवर यस <coughs> yes. Getting it everyone समझ में आ गया नकुल एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा आप में से, जितने भी लोग यहां पर है और आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है e जो है वो डी का कौन होगा तो मैं अपने आपको डी मान लूंगा मैंने माना अपने आपको D. उसके बाद क्या लिखा है D is C's father. तो C is either my son or my daughter. उसके बाद ये हो गया ना uh, C is either my son or my daughter. अच्छा C is B's mother. तो B जो है वो या तो मेरा grandson या तो मेरी granddaughter. और क्योंकि C B की mother है तो इसलिए son तो हट गया daughter ही होगी उसके बाद A is B's sister.

ए की जो मम्मी है वो बी की सिस्टर है तो ए की मम्मी का नाम है जेड और जेड जो है वो मेरी सिस्टर हो गई और ये ए की मम्मी है तो ए मेरी बहन का बच्चा है तो या तो ये मेरा नेफ्यू होगा या तो ये मेरी नीस होगी या तो ये मेरा नेफ्यू होगा या तो मेरी नीस होगी एंड हैज अ डॉटर सी और ये जो ए की मम्मी है ना जेड इनकी एक बेटी भी है सी इनकी एक बेटी भी है सी तो ये जो सी है ये मेरी नीस हो गई ठीक है क्योंकि मेरी बहन की बेटी है सी नीस हो गई हाउ कैन ए बी रिलेटेड टू बी फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग तो ए इज आइदर माई नेफ्यू और माई नीस ए इज आइदर माई नेफ्यू और माई नीस ऑप्शन ए इज योर आंसर आई एम श्योर सब समझ में आ गया बर स्टेट फॉर एवर बर स्टेट फॉर एवर वेरी नाइस बहुत बढ़िया तुबा नजीम तनवीर खान गुड मॉर्निंग जेपी सोनी ग्रैंड डॉटर अच्छा ये तो पुराने वाले का बता रहे हैं राहुल तिवारी नीस वेरी गुड पी के छावत ऑनलाइन नॉलेज नीस आशा शुक्ला नीस सर का नादान परिंदा नीस यश राज सोनी नीस निश्चेन राहुल तिवारी नीश कुमारी निम्मी में बड़ी कंजूसी करते हो यार बताओ मैं यहां पर इतना मतलब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आकर मैं यहाँ पर रोने लग जाऊंगा तो आपको अच्छा लगेगा क्या तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दो ना यार लाइक करने में क्या ही जा रहा है कुछ भी नहीं जाता बस एक बटन दबाना होता है पैसे भी नहीं लगते उसके तो लाइक कर दो मेरा ही मोटिवेशन बढ़ जाएगा ठीक है चलो आ जाओ देखो राजीव इज अ ब्रदर ऑफ अतुल सोनिया इज अ सिस्टर ऑफ सुनील अतुल इज अ सन ऑफ़ सोनिया हाउ इज राजीव रिलेटेड टू सोनिया तो राजीव जो है वो सोनिया का क्या होगा तो मैं बन जाऊंगा कह दो ना कह दो ना यू आर माय सोनिया तो मैं बन गया सोनिया ठीक है अब देखो सोनिया इज अ सिस्टर ऑफ सुनील तो सुनील कौन हो गए सुनील हो गए मेरे भाई साहब तो सुनील हो गया मेरा भाई सुनील हो गया मेरा भाई अब यहाँ पे लिखा है अतुल son Sonia, अतुल इज़ इज़ सन सन ऑफ़ ऑफ़ सोनिया सोनिया तो अतुल हो गया मेरा सन ठीक है उसके बाद राजीव इज द ब्रदर ऑफ अतुल तो राजीव भी मेरा भाई हो गया सॉरी राजीव भी मेरा बेटा हो गया ठीक है क्योंकि राजीव इज अ ब्रदर ऑफ अतुल अतुल मेरा सन है तो राजीव क्या होगा मेरे सन का भाई सन हो जाएगा ठीक है तो हाउ इज राजीव रिलेटेड टू सोनिया राजीव इज माई सन ऑप्शन बी इज योर आंसर आई एम श्योर सब समझ में आ गया बोलो रिस्टेर फॉर बोलोर फॉर वे वेरी नाइस बहुत बढ़िया कोमल कह रही है नहीं सर प्लीज मत रो तो कोमल इन लोगों को बोलो ना यार वीडियो को लाइक करने के लिए देखो मैं रोने लग जाऊंगा तो इनको बोलो ना वीडियो को लाइक करने के लिए लोग वीडियो नहीं लाइक करते देख के चले जाते लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते कितना दुख होता है चलो बहुत बढ़िया राहती गुप्ता सलोनी भगत स्नेहा बैनर्जी कुमारी निम्मी, कोमल कंवर आशा शुक्ला सतीश राय कुमारी निम्मी, संजय वेरी गुड साक्षी कोमल हिमांशी चेतन सर इंटरमीडिएट और एनरोल कर सकते हैं सीएईटी में आई हैव नो आईडिया अबाउट सीएटी ठीक है और राइट नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आइए देखिए सीता इज नीस ऑफ अशोक सीता जो है वो अशोक की नीस है और राइट अशोक मदर इज लक्ष्मी ज लक्ष्मी इज मदर कल्याणीड इज गोपाल पार्वती इज मदर इन ऑफ़ गोपाल हाउ इज सीता रिलेटेड टू गोपाल ठीक है हाउ इज सीता रिलेटेड टू गोपाल तो मैं अपने को गोपाल मान लेता हूं गोपू गोपू कौन गोपू मैं, ठीक है अब देखो कल्याणी का जो हस्बैंड है वो गो गोपाल है तो कल्याणी कौन हो गई मेरी वाइफ कल्याणी कौन हो गई मेरी वाइफ कल्याणी हो गई मेरी वाइफ कल्याणी हो गई मेरी, मेरी, मेरी वाइफ अब आगे देखो क्या लिखा है कल्याणी जो है वो लक्ष्मी की मदर है तो कल्याणी मेरी वाइफ लक्ष्मी की अगर मदर है तो लक्ष्मी कौन हो गई लक्ष्मी हो गई मेरी बिटिया जैसे कल अनुष्का आई थी यहां पर अभी पता नहीं अनुष्का यहां पर है या नहीं है लेकिन लक्ष्मी हो गई मेरी बिटिया डॉटर हो गई ठीक है लक्ष्मी हो गई मेरी बेटी अशोक मदर इज लक्ष्मी अब लक्ष्मी जो है वो अशोक की मम्मी है तो अशोक कौन हो जाएगा अशोक हो जाएगा मेरा ग्रांड सन मेरी बेटी का बेटा हो गया ना तो ये ग्रैंड सन हो गया और सीता जो है वो अशोक की नीस है यानी अशोक से एक जनरेशन और नीचे है सीता जो है वो अशोक की नीस है तो अशोक से एक जनरेशन और नीचे है तो ग्रैंड सन से एक जनरेशन और नीचे है? ग्रेट ग्रैंड सन या ग्रेट ग्रैंड डॉटर ठीक है तो सीता जो है सीता जो है वो मेरी ग्रेट ग्रैंड डॉटर हो जाएगी बात खत्म सीता इज द नीस ऑफ अशोक ना तो अशोक मेरा ग्रांड सन है Niece, एक जनरेशन और नीचे तो ये मेरी ग्रेट ग्रैंड डॉटर हो गई तो हाउ इज सीता रिलेटेड गोपाल सीता इज गोपाल ग्रेट ग्रैंड डॉटर ऑप्शन सी इज योर आंसर आई एम श्योर सबको समझ में आ गया बोलो forever, बोलो बो नि ठीक है जी सीता इज गोपाल ग्रेट ग्रैंड डॉटर यस राहुल तिवारी और आपसे राइट थैंक यू सो मच कोमल

और उसके बाद यहां पर लिखा है मोहन इज सन ऑफ़ सुधीर मोहन इज सन ऑफ़ सुधीर तो सुधीर कौन हो गए सुधीर हो गए मेरे डैड मोहन इज सन ऑफ़ सुधीर तो सुधीर हो गए मेरे डैड एंड ओनली ब्रदर ऑफ रमेश तो मोहन जो है वो रमेश का इकलौता भाई है मोहन जो है वो रमेश का इकलौता भाई है तो ये रहा रमेश ये मेरा भाई हो गया ठीक है आई एम द सन ऑफ सुधीर एंड ओनली ब्रदर ऑफ रमेश ठीक है जी ये हो गया अब देखो सीमा इज द डॉटर इन लॉ ऑफ सुधीर सीमा इज द डॉटर इन लॉ ऑफ सुधीर मतलब मेरे डैड की डॉटर इन लॉ डैड की डॉटर इन लॉ मतलब डैड की बहू ठीक है बहू मतलब या तो मेरी वाइफ या तो मेरे भाई की वाइफ यही मतलब हुआ ठीक है सीमा मेरे डैड की बहू है मेरे डैड की डॉटर इन लॉ है तो डॉटर इन लॉ मतलब या तो मेरी वाइफ होगी या तो मेरे भाई की वाइफ होगी एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ रमेश सिस्टर इन लॉ ऑफ रमेश मेरे भाई की सिस्टर इन लॉ है मेरे भाई की भाभी है सिस्टर इन लॉ का मतलब क्या हो जाता है एक ऐसा बंदा जो कि बाहर से अपनी फैमिली में आया है ठीक है और अपनी जनरेशन का है तो अगर मेरी सिस्टर इन लॉ होती इसका मतलब रमेश की वाइफ लेकिन यहां पर रमेश की सिस्टर इन लॉ है रमेश की सिस्टर इन लॉ मतलब मेरी वाइफ हो जाएगी तो यहां पर ये यह जो सीमा है ये जो सीमा है ये मेरी वाइफ हो जाएगी सीमा मेरी वाइफ हो जाएगी फाइन रिलेशन बिटवीन सीमा एंड मोहन तो सीमा इज माय वाइफ आई एम श्योर सबको समझ में आ गया बोलो निस्टेड फॉर एवर बोलो निस्टेड फॉर एवर वेरी नाइस बहुत बढ़िया पी के छावत सलोनी भगत नादान परिंदा कोमल कंवर पल्लवी अजीम पोके किंग गुप्ता आशा शुक्ला कमलेश अंशुलिंदा ऑल वेरी 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 कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था आओ ये देखो राहुल एंड रॉबिन आर ब्रदर्स प्रमोद इज रॉबिन फादर शीला इज प्रमोद सिस्टर प्रेमा इज प्रमोदी ग्रैंड डॉटर हाउ इज राहुल रिलेटेड टू शुभा हाउ इज राहुल रिलेटेड टू शुभा तो मैं अपने आप को शुभा मानूंगा ठीक है मैं अपने आप को शुभा मान लूंगा तो मैंने माना अपने आप को शुभा मैंने माना अपने आप को शुभा अब देखो शुभा से रिलेटेड क्या क्या दिया हुआ है शुभा से रिलेटेड बस ये दिया हुआ है शुभा इज शीलाज ग्रेट ग्रैंड डॉटर नहीं ग्रैंड डॉटर दिया हुआ है शुभा इज शीलाज ग्रैंड डॉटर ठीक है तो शुभा इज शिला ग्रैंड डॉटर तो शीला जो है ये मेरी ग्रैंड मदर हो गई ठीक है अब यहां पर लिखा हुआ है कि शीला इज प्रमोद सिस्टर शीला इज प्रमोद तो प्रमोद भी मेरे कौन हो गए प्रमोद भी मेरे ग्रांड फादर हो गए मेरी ग्रैंड मदर के भाई मेरे ग्रांड फादर हो जाएंगे प्रमोद इज रॉबिन फादर ये रोहित नहीं होगा रॉबिन ही होगा उतनी मिस्टेक्स चलती रहती है ऐसे आई के स्टडी मटेरियल में आप लोगों को पता ही है तो प्रमोद जो है वो रॉबिन के फादर होंगे रॉबिन के फादर होंगे तो मेरे कौन होंगे मेरे ग्रैंड फादर के बेटे अब देखो यहां पर बहुत नेक्स्ट लेवल के कंफ्यूजन आए जा रहे हैं ठीक है इस वाले क्वेश्चन में नेक्स्ट लेवल के कंफ्यूजन आए जा रहे हैं तो जब भी कभी ऐसा हो ना तो आप थोड़ा सा सोच बदल कर देखो अभी हम अपने आप 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 को 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 मान मान रहे रहे थे थे अभी हम अपने शुभा मान रहे थे। अब हम अपने अपने अब एक बार जरा राहुल मानकर देखते हैं हो सकता है राहुल मानने से चीजें आसान हो जाए लेट्स ट्राई इट आउट ठीक है तो अगर मैं अपने आप को राहुल मानता हूं अगर मैं अपने आप को राहुल मानता हूं तो राहुल एंड रॉबिन आर ब्रदर्स तो रॉबिन क्या हो गया रॉबिन मेरा भाई हो गया रॉबिन जो है ये मेरा भाई हो गया प्रमोद इज रॉबिन्स फादर तो प्रमोद जो है वो मेरे डैड हो गए प्रमोद मेरे डैड हो गए ठीक है ना प्रमोद अगर मेरे भाई के फादर है तो मेरी भी फादर मेरे डैड हो गए शीला इज प्रमोद सिस्टर शीला जो है मेरे डैड की बहन है तो शीला जो है शीला जो है वो मेरी बुआ हो गई ठीक है मेरी बुआ हो गई ना पापा की बहन हो गई अब प्रेमा इज नीस प्रेमा जो है वो प्रमोद की नीस है प्रेमा जो है वो प्रमोद की नीस है प्रमोद कौन प्रमोद मेरे डैड ठीक है तो प्रेमा कौन होगी मेरे डैड की बहन की बेटी होगी नीस क्या होता है भाई या बहन की बेटी ठीक है अब यहां पर डैड की बहन ही है डैड के भाई के बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो डैड की बहन ही होगी बहन की बेटी कौन प्रेमा तो मतलब शीला मेरी बुआ की बेटी कौन प्रेमा तो प्रेमा मेरी कौन हो गई प्रेमा मेरी हो गई कजन ठीक है ना प्रेमा मेरी हो गई कजन क्योंकि मेरी बुआ की बेटी तभी तो ये मेरे डैड की नीस होगी तो प्रेमा इस प्रमोद नीस लिखा हुआ है तो प्रमोद के भाई या बहन की बेटी एक बहन है शीला शीला की बेटी हो जाएगी प्रेमा ठीक है तो तभी जो प्रेमा है वो प्रमोद की नीस हो पाएगी शीला कौन मेरी मेरी बुआ तो मेरी बुआ की बेटी मेरी कौन मेरी कजन ठीक है आगे देखो शुभा इस डॉटर। शुभा जो है वो मेरी बुआ की ग्रैंड डॉटर है मेरी बुआ की ग्रैंड डॉटर मतलब मेरी कजन की बेटी मेरी बुआ की ग्रैंड डॉटर ग्रैंड डॉटर क्या होता है बच्चे का बच्चा ठीक है तो मेरी बुआ उनका बच्चा कौन प्रेमा उसकी बच्ची कौन मेरी कजन की बच्ची कौन होगी मेरी कजन की बच्ची हो जाएगी शुभा मेरी कजन की बच्ची हो जाएगी शुभा तो अगर ये मेरे से एक जनरेशन नीचे मेरे भाई या बहन या कजन की बेटी है तो ये हो जाएगी मेरे लिए नीस ये हो जाएगी मेरे लिए नीस तो शुभा जो है वो मेरी नीस हो जाएगी शुभा मेरी नीस हो जाएगी तो मैं उसका कौन हो जाऊंगा मैं उसका अंकल हो जाऊंगा ठीक है तो यहां पे लिखा है हाउ इज राहुल रिलेटेड टू शुभा तो राहुल अंकल

पता है दिक्कत वहीं पर आई होगी दिक्कत वहीं आई होगी कि आप लोगों ने अपने आप को शुभा माना होगा और उसी में आप लोग जो है वो जूझते जा रहे होंगे क्योंकि वो सही भी है आपकी गलती नहीं है क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस किए वो वैसे ही मान के किए हुए हैं तो अब आप लोगों के पास एक पॉसिबिलिटी और ओपन हो गई कि अगर मान लो थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कभी भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो ट्राई इट आउट दी अदर वे ठीक है तो मैंने अपने आप को राहुल मान लिया राहुल से शुभा निकल आया तो अब मुझे तो ध्यान है ना हाउ इज राहुल रिलेटेड टू शुभा तो मैं उल्टा करके रिलेशनशिप देख सकता हूं बहुत आराम से ठीक है सर हाँ जी कोमल आपने बोला था यस yes, यस yes. को, uh, कोमल आपने बोला था यश yes, राज सोनी जिसमें भी डाउट है या तो वो हो चुका है या तो वो होने वाले ठीक है अगर आप कह रहे हो 42 में डाउट है तो या तो 42 हो चुका है अगर हो चुका है तो आप उसको रिवाइंड करके देख लो अगर नहीं हुआ है तो आगे होगा आगे होगा तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है ठीक है बस अब आप लोग इसी बात में फटाफट से वीडियो को और लाइक कर दो एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी पर आ जाते हैं अब हम लोग ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर्टी पर आते हैं ये देखो प्रीति हैज अ सन अम्ड अरुण राम इज प्रीति इज ब्रदर नीता टू हैज डॉटर नेम्ड रीमा नीता इज राम रिलेशनशिप टू रीमा अरुण जो है वो रीमा का कौन हो जाएंगे तो मैं काम करता हूं मैं रीमा बन जाता हूं रीमा बन जाता हूं रीमा हो गया मैं अब यहां पर लिखा हुआ है नीता टू हैज ए डॉटर नेम्ड रीमा मतलब मेरी मम्मी का नाम है नीता नीता इज माई मोम नीता इज माई मोम ठीक है अब यहां पर क्या हो गया नीता इज राम सिस्टर मेरी मॉम जो है वो राम की बहन है तो राम कौन हो गए राम हो गए मेरे मामा यानी अंकल राम हो गए मेरे मामा यानी अंकल ठीक है राम जो है वो प्रीति के भाई हैं मतलब मेरे मामा जो है वो प्रीति के भाई हैं तो प्रीति कौन है मतलब मेरी मॉम की भी बहन होंगी वो तो प्रीति मेरी कौन हो जाएंगी प्रीति हो जाएंगी मेरी मौसी यानी आंट प्रीति हो गई मेरी मौसी आंट ठीक है और प्रीति मेरी मौसी का एक बेटा है अरुण मेरी मौसी का बेटा है अरुण तो अरुण मेरा कौन हो जाएगा मौसी का बेटा मौसी का बेटा हो जाता है कजन ठीक है तो व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ व्हाट इज अरुण रिलेशनशिप टू रीमा अरुण इज माई कजन आई एम श्योर सब समझ में आ गया बोलो बोस्टेड फॉर बोलो फॉर बोलो फॉर रे ठीक है कुमार कुमारिमी कह रही बहुत बदमाश हो तुम सब जो सब वीडियो लाइक नहीं कर रहे हो कर दो सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच कुमारी निमी आप लोग बस फटाफट फड़ से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड लेट्स मूव मूव ऑन ऑन टू द द नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन लेट्स मेरी इंग्लिश वीक है क्या करूं कुछ नहीं भाई इंग्लिश में बातें करो इंग्लिश की चीजें देखो पढ़ो समझो किसी भी वर्ड में दिक्कत आए तो उस वर्ड का मतलब समझने की कोशिश करो जितना ज्यादा इंग्लिश चीजें पढ़ोगे जितना ज्यादा इंग्लिश चीजें देखोगे जितना ज्यादा इंग्लिश में बात करने की कोशिश करोगे उतनी ज्यादा आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी रही बात यहां पर स्टडी रिलेटेड चीजों की तो मैं एक एक लाइन का मतलब आपको खुद समझा रहा हूं कि इसका इंटरप्रिटेशन

मेरे जो फादर है उनका एक बेटा है रोहित मतलब रोहित मेरा भाई रोहित मेरा भाई और मेरे फादर का नाम यहां पर दिया नहीं है फादर को मैं जेड बोल देता हूं ठीक है रोहित हैज एन आंट लक्ष्मी रोहित की अगर आंट है लक्ष्मी तो लक्ष्मी मेरी भी आंट है ठीक है लक्ष्मी जो है वो मेरी भी आंट है क्योंकि मेरे भाई की आंट है हु अ हस्बैंड राव तो राव कौन हो गए मेरी बुआ के हस्बैंड तो राव मेरे हो गए फूफा जी राव मेरे हो गए फूफा जी फादर इन लॉ इज मोहन तो मेरे फूफा जी के फादर इन लॉ कौन होंगे फूफा जी के फादर इन लॉ कौन होंगे फादर इन लॉ कौन होता है स्पाउस का हस्बैंड के फादर होता है ठीक है फूफा जी की स्पाउस कौन मेरी बुआ मेरी बुआ के फादर मेरे कौन होंगे मेरे ग्रैंड फादर होंगे तो मोहन जो है मोहन जो है वो मेरे ग्रांड फादर हो गए तो वट इज रिलेशनशिप ऑफ मोहन टू रवि मोहन इज माई ग्रांड फादर ठीक है ना फूफा जी के फादर इन लॉ फूफा जी के फादर इन लॉ का मतलब मेरी मेरी आंट आंट के फादर मेरी आंट कौन लक्ष्मी तो आंटी के फादर बुआ जी के फादर बुआ जी के फादर कौन मेरे ग्रैंड फादर तो मोहन कौन हो गए मेरे ग्रैंड फादर हो गए तो ऑप्शन बी इज योर आंसर आई एम श्योर सब समझ में आ गया बोलो बोलो वेरी नाइस बहुत बढ़िया सभी लोगों का एकदम सही आ रहा है राहुल तिवारी कुमारी निम्मी स्नेहा बैनर्जी राव अंकल यस राति गुप्ता नादान परिंदा राहुल तिवारी कोमल निम्मी तुबा संजय स्टूडेंट साक्षी राहुल पल्लवी तुबा वेरी गुड क्या बात है पल्लवी प्री ठीक है चलो नेक्स्ट आ जाओ इस वाले क्वेश्चन पर आते ये भी मैंने आपको होमवर्क में दिया था सी

ज द पेटर्नल अंकल ऑफ सी ऑर्थर बी जो है वो सी के पेटर्नल अंकल है और सी कौन है सी है ए की डॉटर तो हाउ इज बी रिलेटेड टू ए हाउ इज बी रिलेटेड टू ए तो मैं बन जाता हूं तो यहां पर मैं बन गया एज द डॉटर ऑफ ए तो सी जो है वो मेरी बिटिया सी इज माई डॉटर सी इज द डॉटर ऑफ ए और यहां लिखा है बी इज द पेटर्नल अंकल ऑफ सी पेटर्नल अंकल मतलब क्या होता है पापा के भाई ठीक है पेटर्नल अंकल मतलब क्या होता है पापा के भाई तो जो ऑथर बी है वो मेरी बेटी के पेटर्नल अंकल है बेटी के पापा कौन मैं तो मतलब ऑथर ये कौन हो गया मेरा भाई ऑथर कौन हो गया मेरा भाई हो गया ठीक है तो ऑथर बी कौन हो गया वो मेरा भाई हो गया तो ऑप्शन 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 ए इज योर आंसर आई एम श्योर सब समझ में आ गया बोलो निस्टेड फॉर बोलो निस्टेड फॉर रे वेरी नाइस लाइव क्लासेस टू इंटर एक्टिव बट मेरा बैकलॉग्स बहुत है कोई बात नहीं पायल आप धीरे धीरे अपने बैकलॉग्स कवर करिए और उसके बाद आप लाइव क्लासेस ज्वाइन कर लीजिएगा ठीक है भैया यस बिल्कुल भैया ब्रदर राति कमलेश राहुल साक्षी पल्लवी कोमल वेरी नाइस ऑलराइट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने ये भी मैंने आपको होमवर्क में दिया था इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन लेट्स लुक एट इट सिक्स मेंबर्स ऑफ अ फैमिली नेमली ए बी सी डी ई एंड एफ आर ट्रैवलिंग टुगेदर B B. is is a A a son of of C C C but C is not the mother of B. A and C are a married couple. E is a brother of C. D is the daughter of A. F is a brother of B. How many male members are there in the family? दिन में male members कितने तो एक काम करते हैं किसी भी एक को मैं मान लेता हूं कि वो मैं हूं तो जैसे यहां पर लिखा ना बी इज दी तो मैं अपने आप को मान लेता हूं कि मैं बी हूं ठीक है मैं हो गया बी Now, I आई एम son ऑफ सी बट सी इज नॉट द मदर ऑफ बी ठीक है तो सी मेरी मम्मी नहीं है तो सी मेरे पापा हो गए ठीक है सी मेरे पापा हो गए सी आर मैरिड कपल तो ए जो है ए और सी मैरिड कपल है तो ए कौन हो गई मेरी mom हो जाएंगी. A मेरी mom हो हो ब्रदर ऑफ सी ई जो है वो मेरे डैड के भाई है तो ये मेरे कौन हो जाएंगे ये मेरे अंकल हो जाएंगे डी इज अ डॉटर ऑफ ए डी जो है वो ए की डॉटर है डी जो है वो ए की डॉटर है ए मेरी मॉम है तो डी मेरी बहन हो जाएंगे उसके बाद E इज द ब्रदर ऑफ C. E जो है वो C का ब्रदर ये तो हो गया D इज द डॉटर ऑफ A भी हो गया F इज द ब्रदर ऑफ B. F जो है वो B का भाई है B तो मैं ही हूं तो एफ जो है वो मेरा भाई हो जाएगा हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली तो मेरा पापा मेरा चाचा मेरा भैया और मैं तो देयर आर फोर मेल मेंबर्स इन द फैमिली ऑप्शन सी इज योर आंसर आई एम श्योर सब कुछ समझ में आ गया बोलो निस्टेड फॉरएवर बोलो बेलो फॉरएवर फॉर वेरी नाइस बहुत बढ़िया कुमारी निम्ी राति गुप्ता नादान परिंदा पल्लवी साक्षी राहुल नादान परिंदा सतीश नादान परिंदा राहुल कोमल कंवर स्नेहा बैनर्जी राहुल तिवारी संजय आशा शुक्ला रिया कहंगाई अच्छा खुशी चतुर्वेदी गुड मॉर्निंग नीशु भैया गुड मॉर्निंग खुशी कहां थी आप इतनी देर से ठीक nice. right है मीनाक्षी वेरी गुड कुमारी निम्ी पी के छावत स्वप्निल श्रीवास्तव साक्षी संजय वेरी नाइस सो लॉर्ड ऑफ न्यू स्टूडेंट्स आर जॉइनिंग नाउ है ना तो जितने भी स्टूडेंट्स अभी अभी ज्वाइन किया आप लोग बस फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए बहुत बहुत स्वागत है आपका सर भूल गए बताओ कह रही है, भूल गए अरे कैसे भूल गए मैं तो खुद कह रहा हूं कहां थी अभी तक ठीक है अभी तक तो जवाब आए नहीं न लेट हो गई आज हाँ तो लेट हुई ना मेरे पर क्यों इल्जाम लगा रही है कि भूल गए ऐसे थोड़ी होता है मतलब बड़े भाई मिल गया तो उसमें कुछ भी इल्जाम लगाया ऐसे थोड़ी होता है यार गलत बात है यार मतलब यार तुम तो यार मतलब यार एकदम यार कमाल कर रहे हो यार हद कर रहे हो यार ऐसे नहीं होता ठीक है मैं न्यू हूं सतीश राय अच्छा तब ठीक है सतीश आप नए हो तो अच्छी बात है और right. बहुत बहुत स्वागत है आपका सतीश आई होप आपको आज की क्लास में मजा आ रहा है और आप रोज ऐसी क्लास में आते रहोगे तो फाइनली में डन विद होमवर्क क्वेश्चन हमारे होमवर्क क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं ठीक है तो अभी हम लोग अपने कुछ नए सेट ऑफ क्वेश्चंस, कुछ नए तरीके के क्वेश्चंस पर चलते हैं और इन नए तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है उसको समझने क्या उसको उसकी ट्रिक समझना ठीक है उसकी मेथोडोलॉजी समझना तो देखो रामूज मदर सेड टू रामू अब ना सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसे, ऐसे आएंगे कि कोई किसी का इंट्रोडक्शन दे रहा है ठीक है अब सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसे, ऐसे आएंगे मैं तो मैं किसी को आपसे इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं ठीक है इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चनिटी ऑफ द क्वेश्चन दट सपोज मी तो मैं किसी का इंट्रोडक्शन करवा रहा हूं ठीक है तो देखो रामोज मदर सेड टू रामू कोई कुछ ना कुछ कह रहा होता है राइट तो इस टाइप के क्वेश्चन में देखो अभी तक वाले क्वेश्चन एकदम क्लियर थे ठीक है अभी तक वाले क्वेश्चन में आपको सिंपली अलग अलग लोगों के बीच का रिलेशन दिया हुआ था अब इस टाइप के क्वेश्चन में ना कोई ना कोई कुछ ना कुछ, कुछ कह रहा होगा तो जब भी कोई कुछ कह रहा होता है ना तो आप अपने आप को वो बंदा मानो जो कुछ कह रहा होता है ठीक है आई रिपीट आई रिपीट यहां पर वो वाला फंडा नहीं चलेगा कि हाउ इज दिस रिलेटेड टू दिस में तो फिर आप अपने आप को सेकंड वाला पर्सन मान लो नहीं यहां पर वो वाला फंडा नहीं चलेगा यहां पर ज्यादा कन्वीनियंट आपके लिए होगा जब आप अपने आप को वो मानोगे जो भी इंसान इंट्रोडक्शन करा रहा है जो भी इंसान इंट्रोडक्शन करा रहा है आप अपने आप को वो मानोगे ठीक है तो जैसे लिखा है रामूज मदर इज टू रामू रामू की मम्मी ने रामू से कहा ठीक है तो मैं बन जाऊंगा क्या मैं बन जाऊंगा रामू की मम्मी मैं क्या बन जाऊंगा मैं बन जाऊंगा रामू की मम्मी तो मैं बन गया मैं बन गया रामूज मॉम। ठीक है मैं बन गया रामूज मॉम। अब मैं रामू से कुछ कह रही हूं सुनो मेरी बात में क्या कह रही हूं प्लीज मेरी बात सुनो प्लीज मैं क्या कह रही हूं मैं कह रही हूं कि मेरी मम्मी मतलब रामू की मम्मी की मम्मी मेरी मम्मी As a son का एक बेटा है मेरी मम्मी का एक बेटा है जो कि मेरा भाई होगा ठीक है मेरी मम्मी मैं हूं रामूज मॉम मेरी मम्मी का एक बेटा है जो कि मेरा भाई होगा हैज son ठीक है माई मदर हैज सन हूज सन इज अच्युत और मेरे भाई के बेटे का नाम है अच्युत मेरे भाई के बेटे का नाम है अच्युत ठीक है मेरे भाई के बेटे का नाम है अच्युत तो अगर ये रामू की मम्मी है तो ये रहा रामू ये रहा रामू ये रामू और ये मामा का बेटा तो रामू और अच्युत कौन हो गए आपस में रामू और अच्युत आपस में हो गए कजिन्स कजिन्स ठीक है रामू और अच्युत आपस में हो गए कजिन्स so तो हाउ इज अच्युत रिलेटेड टू रामू तो अच्युत इज रामूज कजिन ठीक है अच्छे रामू कसन मैं एक बार फिर से बता रहा हूं रामू की मम्मी ने रामू से कहा आप इमेजिन करो आपकी मम्मी आपसे कह रही है तो आपकी मम्मी ने आपको बुलाया और कहा कि सुन बेटा मेरी मम्मी का एक बेटा है उसका बेटा है ये बता वो तेरा क्या हुआ ये वाली बात है ठीक है तो सपोज मेरी मम्मी मुझसे कह रही है कि सुनो निशु इधर आओ मैंने कहा हाँ मम्मी बताइए तो मेरी मम्मी मुझसे कह रही है कि मेरी मम्मी का एक बेटा है अच्छा मतलब नानी जी का एक बेटा है नानी जी का बेटा मतलब आपका भाई तो मम्मी ने कहा हां मतलब मेरे मामा जी हां उनका एक बेटा है मामा जी का बेटा मेरा कौन हुआ मामा जी का बेटा मेरा कजन हो गया तो ऑप्शन सी इज योर आंसर तो रामूज मदर सेट टू रामू रामू की मम्मी रामू से क्या कह रही है कि मेरी मम्मी का एक बेटा है मतलब मेरा भाई उसका बेटा है मतलब मेरा भांजा अच्युत तो बता अच्युत क्या हुआ तेरे मामा का बेटा तेरा क्या हुआ तेरा कजन हो गया तो आई एम श्योर ये वाला आंसर सबको समझ में आ गया होगा ऑप्शन बी इज योर आंसर आई एम श्योर सबको समझ में आ गया बोलो स्टेट फॉर रेवर बोलो स्टेट फॉर रेवर ठीक है थैंक यू सो मच दैट्स सो स्वीट ऑफ यू टू कम हियर एंड थैंक मी थैंक यू सो मच ठीक है

योर मदर तुम्हारी मम्मी इज द यंगर सिस्टर छोटी बहन है ऑफ माई मदर ठीक है मैं ए से क्या कह रहा हूं कि तुम्हारी जो मम्मी है ना योर मदर इज द यंगर सिस्टर ऑफ माई मदर तुम्हारी मम्मी मेरी मम्मी की तुम्हारी मम्मी मेरी मम्मी की छोटी बहन है ठीक है तुम्हारी मम्मी मेरी मम्मी की छोटी बहन है तो तुम्हारी मम्मी मेरी मम्मी की अगर बहन है तो तुम्हारी मम्मी मेरी कौन हो गई मेरी मौसी हो गई ठीक है तो तुम मेरे कौन हो गए मौसी के बेटे हो गए मौसी के बेटे को क्या बोलते हैं मौसी के बेटे को कजन बोला जाता है वेरी वेरी सिंपल सिंपल यू जस्ट हैव टू बी पेशेंट विद दैट दिस टाइप ऑफ ठीक है क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से अलग टाइप के हैं जितने क्वेश्चन हम लोग अभी तक कर चुके हैं वो वाले सिमिलर टाइप के क्वेश्चन नहीं है तो जैसे जब जो भी क्वेश्चन हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं तो उनको भी तो पहली क्लास में जब हम लोगों ने परसों किया था तो इनिशियली कितना टाइम लगा था मैंने आपको पंद्रह बीस मिनट लगाकर एक ही क्वेश्चन बताया था ठीक है अब यहां पर हर क्वेश्चन में पंद्रह बीस मिनट यहां पर क्लास में लगाने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन आपको पेशेंटली सोचने की जरूरत है एकदम पेशेंटली सोचना होगा आपको और धीरे धीरे प्रैक्टिस से इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत आराम से आप लोग सॉल्व कर ले जा पाओगे राइट तो एक बार फिर से बता रहा हूं पॉइंटिंग टूवर्ड्स ए बी सेड ए की तरफ पॉइंट करके बी ने कहा योर मदर तुम्हारी मम्मी इज द यंगर सिस्टर ऑफ माई मदर तुम्हारी मम्मी मेरी मम्मी की छोटी बहन है तुम्हारी मम्मी मम्मी मेरी की छोटी बहन है ठीक है तुम्हारी मम्मी मेरी मम्मी की छोटी बहन है छोटी बहन, बहन है मतलब मेरी मम्मी की मौसी है तुम्हारी मम्मी मेरी मम्मी की मौसी है मतलब तुम मेरी मौसी के बेटे हो तुम मेरी मौसी के बेटे हो तो तुम मेरे कजन हो तो हाउ इज ए रिलेटेड टू बी तो ए हो गया कजन ठीक है आई एम श्योर सब समझ में आ गया बोलो रिस्टेड फॉर एवर बोलो रिस्टेड फॉर एवर ठीक है जी ऑलराइट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने सुरेश इंट्रोड्यूसेस अ मैन एज अब सुरेश इंट्रोड्यूस कर रहा है तो मैं अपने आप को क्या मानूंगा मैं अपने आप को मानूंगा सुरेश ठीक है और मैं किसी आदमी को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं तो ये रहा वो आदमी ये रहा वो आदमी सुरेश इंट्रोड्यूसेस अ मैन एज ही इज द सन ऑफ द वुमन हु इज द मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर ठीक है अब सुनना मेरी बात यहां पर लैंग्वेज आपको इतना ऐसी लगेगी बट इफ यू जस्ट टेक अ मोमेंट टू काम डाउन इफ यू जस्ट ब्रेक द सेंटेंट तो फिर बहुत आराम से आप लोगों को सारी चीजें समझ में आएंगी ठीक है तो मैच भी जो आप लोगों को यहां पर सिखा रहा हूं मैं बहुत ही ब्रेक करके -कर एक एक लाइन को धीरे धीरे तो टुकड़ो टुकड़ों में ब्रेक कर करके मैं आप लोगों को बता रहा हूं तो उसी तरह से आप लोगों को सीखना होगा ठीक है आओ देखते हैं तो सुरेश इंट्रोड्यूस मैन एज सुरेश एक आदमी को इंट्रोड्यूस कर रहा है कैसे इंट्रोड्यूस कर रहा है कह रहा है कि ही इज द सन ये जो आदमी है ये जो मैंने ड्रॉइंग बनाई है ये आदमी किसी का बेटा है ही इज़ द सन ठीक है किसका बेटा है ऑफ द वुमन किसी औरत का बेटा है कौन है ये औरत हु इज द मदर किसी की मदर है किसकी मदर है ऑफ द हजबेंड किसी के पति की मम्मी है किसके पति की मम्मी है मेरी मम्मी के पति की ओ अब समझ में आई बात आपको नहीं आई दोबारा देखते हैं दोबारा देखते हैं लेकिन आराम आराम से देखेंगे जितना इसको आराम आराम से देखा ना उतनी आसानी से ये सारे क्वेश्चन हम लोगों को समझ में आएंगे जहां हम लोगों ने थोड़ी हड़बड़ी मचाई की तो फिर क्वेश्चन भी आपको Hello! करेगा ठीक है बट यू हैव टू बी जस्ट वेरी वेरी काम वाइल रीडिंग दीज क्वेश्चन ठीक है आ जाओ देखते हैं सुरेश इंट्रोड्यूस एज सुरेश एक आदमी को इंट्रोड्यूस कर रहा है क्या कह रहा है कह रहा है ही इज द सन ये आदमी किसी का बेटा है किसका बेटा है यह आदमी किसका बेटा है यह आदमी किसी औरत का बेटा है कौन है ये औरत किसी की मम्मी है किसकी मम्मी है किसी के पति की मम्मी है किसके पति की मम्मी है मेरी मम्मी के पति की मम्मी है मतलब मतलब क्या हुआ मतलब ये हुआ कि मेरी मम्मी उनके पति मेरे डैड उनकी मम्मी मेरी दादी और ये आदमी जो है मेरी दादी का बेटा है ये आदमी जो है ये मेरी दादी का बेटा हो गया तभी तो देखो ना ही इज द सन द सन किसका ऑफ द वुमन ये है वो वुमन कैसे पता चला मदर मदर है किसकी मदर है ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर ठीक है तो मेरी मम्मी के हस्बैंड की मम्मी मतलब मेरी दादी मेरी दादी का बेटा है मेरी दादी के बेटे होंगे तो या तो मेरे डैड होंगे या तो ये मेरे अंकल हो जाएंगे ठीक है ये मेरी दादी के अगर बेटे हैं तो या तो मेरे ये डैड होंगे या तो ये मेरे अंकल हो जाएंगे ठीक है हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू द मैन तो मैं हूं सुरेश अगर ये मेरे डैड हैं तो मैं इनका सन अगर ये मेरे डैड हैं तो मैं इनका सन अगर ये मेरे अंकल हैं तो मैं इनका नेफ्यू ठीक है तो यहां पर आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान अपना लगाना होता है आफ्टर डूइंग द क्वेश्चन आफ्टर सॉल्विंग द क्वेश्चन यू स्टिल हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल इन दीज क्वेश्चंस आसान होते हैं बहुत आसान होते हैं लेकिन आपको बस केयरफुल रहना होता है ठीक है आपने आराम से किया केयरफुली किया तो बहुत आराम से वाले क्वेश्चन हो सकते हैं ठीक तो एक बार फिर से सुदेश इंट्रोड्यूस आस देख रहे हो आपको मैं कितनी बार रिपीट कर रहा हूं देख रहा हो ना तो इतनी तरह से जितनी बार मैं रिपीट कर रहा हूं ना उतनी बार आपको अपने दिमाग में रिपीट करना है ये सारी चीजें कोई भी क्वेश्चन अगर इस टाइप का आपको समझ में ना आए तो आपको वही चीज अपने दिमाग में रिपीट करनी है जितनी बार मैं और मैं बहुत पेशेंटली रिपीट कर रहा हूं ठीक है मैं बिल्कुल हड़बड़ा नहीं रहा हूं आप लोग देख सकते हो कि एकदम ये मैं बिल्कुल हड़बड़ा नहीं रहा हूं बिल्कुल ऐसा नहीं है कि दूसरी या तीसरी बार में बहुत जल्दबाजी में कर दिया या कुछ भी कर दिया मैं बहुत इतमान से कर रहा हूं बहुत आराम आराम से कर रहा हूं और यही आराम आराम से आपको भी करना है ठीक है आई नो आप लोग सारे सारे के ना जेनजी हो और जेनजी में क्या होता है ना जितनी भी जेनजी यू नो ऑल ऑफ यू आर जेनजी तो जेनजी का ना टेंशन स्पैन थोड़ा सा कम होता है यू आर द जनरेशन ऑफ शॉर्ट्स एंड रील्स ठीक है तो तुम लोगों की जो जनरेशन है ना वो शॉर्ट्स और रील्स है अब तुरंत दिखाओ अब तुरंत अब तुरंत अब अब समझाओ, बताओ। तुम्हारी जनरेशन वैसी है। लेकिन यहां पर जब आप एक बड़ी एक प्रोफेशनल डिग्री के लिए पढ़ रहे हो ना तो आपको थोड़ा सा आराम-आराम से काम करना पड़ेगा चल नहीं पाएगी ठीक है देख लो तो यहां पर लिखा है सुरेश एज तो मैं हूं सुरेश मैं इस आदमी का इंट्रोडक्शन कर रहा हूं कैसे कर रहा हूं ही इज अ सन ऑफ द वुमन ये आदमी किसी का बेटा है किसका बेटा है एक वुमन का बेटा है कौन है ये वुमन किसी की मदर है किसकी मदर है किसी के हस्बैंड की मदर है किसके हस्बैंड की मेरी मदर के हस्बैंड की ठीक है मतलब मेरी मदर के हस्बैंड की मदर का बेटा है ये आदमी अब ये आदमी अगर मेरी दादी का बेटा है तो या तो ये मेरे डैड होंगे या तो ये मेरे अंकल हो जाएंगे ठीक उसके बाद सवाल क्या पूछा है सवाल ये नहीं पूछा है हाउ इज दैट मैन रिलेटेड टू सुरेश पूछा है हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू दैट मैन ठीक है हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू दैट मैन तो अगर ये आदमी मेरे डैड है तो मैं इनका सन हुआ अगर ये आदमी मेरे अंकल है तो मैं इनका नेफ्यू हुआ अब ऑप्शन में ट्राई कर लो ठीक है ऑप्शन में नेफ्यू तो है नहीं ऑप्शन में सन है ठीक है पर पता है यहां पर कई सारे लोग आप लोग अंकल मार्क करके आओगे अंकल क्यों मार्क करके आओगे क्योंकि यहां पर ये डैड या तो अंकल होंगे ना

लेडी इन फोटोग्राफ मीरा से कौन कह रहा है, कह रही है. तो आज मैं बन जाता हूं मीरा मैं ठीक है और एक फोटोग्राफ में एक लेडी को देखकर मैं, देख मैं कुछ कह रही हूं तो सपोज ये है वो फोटोग्राफ ठीक इस फोटोग्राफ में यह है लेडी ये है लेडी और क्योंकि ये लेडी है तो ये इसके बाल है आग सही कर देता हूँ ये लेडी है तो ये इसके बाल है मेरी ड्रॉइंग कमाल की है आप लोग देख सकते हो ठीक है ये ये इसके बाल है। ये इस लेडी के बाल है। ये लेडी रो रही है नहीं रो नहीं रही है पता नहीं क्यों है ये आंख में ऐसे काला काला बट ठीक है तो ये फोटो में लेडी है इस लेडी को देखकर मीरा यानी मैं कुछ कह रही हूं मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो ठीक है मैं क्या कह रही हूं हर फादर्स ओनली सन्स वाइफ इज माई मदर इन लॉ हर फादर्स ओनली सन्स वाइफ हर फादर्स यानी इसके फादर इसके फादर के ओनली सन के इकलौते बेटे इकलौते बेटे के इकलौते बेटे इसके फादर के इकलौते बेटे ठीक है इसके फादर के इकलौते बेटे तो ये दोनों कौन हुए भाई बहन हुए ठीक है ये भाई बहन हुए तो ये हुई इस ये इसका ब्रदर हुआ ये इसकी सिस्टर हो गई ठीक है hey? तो इस लेडी के फादर के इकलौते बेटे यानी इसके भाई हर फादर्स ओनली सन वाइफ सन की वाइफ सन की जो वाइफ है मतलब यहां एक और लेडी है एक और लेडी है एक और लेडी है ये रही वो लेडी और ये दोनों कौन है ये दोनों हस्बैंड और वाइफ है ये दोनों हस्बैंड और वाइफ है ठीक है हर फादर्स ओनली सन्स वाइफ थीके? तो इसके फादर का जो बेटा होगा वो इसका भाई हो जाएगा और इसकी जो बीबी होगी अब देखो अब आगे चीज है इज माई मदर इन लॉ मतलब ये जो लेडी है ये मेरी मदर इन लॉ है ठीक है ये जो लेडी है फोटो वाली लेडी नहीं फोटो वाली लेडी के पापा के इकलौते बेटे की वाइफ ठीक है फोटो वाली लेडी के पापा के इकलौते बेटे की जो वाइफ है वो मेरी मदर इन लॉ है वो मेरी मदर इन लॉ है ठीक है एटलीस्ट थोड़ी बहुत पिक्चर तो हमें समझ में आई कि ठीक है ये इंसान फादर इन लॉ हो जाएंगे ये इंसान फादर इन लॉ की बहन है तो ये बुआ इन लॉ हो जाएंगी ठीक है ये बुआ इन लॉ हो जाएंगी अच्छा हाउ इज मीराज हस्बैंड रिलेटेड टू दैट लेडी इन द फोटो मीरा के हस्बैंड जो है वो इस फोटो वाली लेडी के क्या लगते हैं हाउ इज दैट हाउ इज मीराज हस्बैंड रिलेटेड टू दैट लेडी इन द फोटो तो मीरा के जो हस्बैंड है मीरा के जो हस्बैंड है वो इस लेडी के क्या लगेंगे अब देखो बड़ी सिंपल सी बात है मीरा के हस्बैंड ठीक है अगर ये लेडी मीरा की मदर इन लॉ है मतलब ये मीरा के हस्बैंड की मम्मी है ठीक है अगर ये लेडी मीरा की मदर इन लॉ है मदर इन लॉ है तो ये मीरा के हस्बैंड की मम्मी है ठीक है ये अगर मीरा के हस्बैंड की मम्मी है तो ये इनके हस्बैंड मीरा सॉरी uh, मीरा के हस्बैंड की मम्मी है हाँ, ये लेडी मीरा के हस्बैंड की मम्मी है तो ये मीरा के हस्बैंड के पापा होंगे डैड होंगे और ये डैड की बहन मीरा के हस्बैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो ये डैड की बहन तो ये मीरा के हस्बैंड की बुआ हो जाएंगी ये मीरा के हस्बैंड की बुआ हो जाएंगी सवाल ये थोड़ी पूछा है कि लेडी मीरा के हस्बैंड की क्या लगती है सवाल पूछा है हाउ इज मीराज हस्बैंड रिलेटेड टू दैट लेडी इन द फोटो सवाल पूछा है कि मीरा के हस्बैंड इस लेडी के क्या लगते हैं तो अगर ये लेडी मीरा के हस्बैंड की बुआ है तो मीरा के हस्बैंड इनके नेफ्यू लगेंगे मीरा के हस्बैंड इनके नेफ्यू लगेंगे तो ऑप्शन ए इज योर आंसर आई एम श्योर सब समझ में आ गया बोलो गए क्या बात है कितने सारे लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया हुआ है यहां पर राहती गुप्ता नादान परिंदा राहुल तिवारी स्नेहा बैनर्जी साक्षी पी के छावत यश सोनी राहुल तिवारी संजय वेरी नाइस सर मैंने डिसेम्बर ट्वेंटी टू एग्जाम दिया मैंने पास होने के लिए उतने ही टॉपिक किए हैं अच्छा अब ये ये मैं क्या बताऊं इसमें ठीक है मैं क्या बताऊं अगर आप पूरा पढ़ के नहीं जाओगे तो फिर आपका पास होना या फेल होना फिर वो मेरे हाथ में नहीं है आपको पूरा पढ़ना होगा और आपको पूरा पेपर कायदे से करना होगा ठीक है इसमें मैं नहीं कह सकता अगर आपने आधा अधरा पेपर किया है तो आप पास हो जाओगे या नहीं हो जाओगे ये तो आईसीए ही बताएगा ये मैं बताने वाला कोई नहीं होता हूं ठीक है आ जाओ बस आज के लिए दो क्वेश्चंस और देखेंगे उसके बाद मैं आपको कुछ होमवर्क दे दूंगा उसके बाद हम लोग कल करेंगे ठीक है तो देखो पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ विकास सेड ठीक है अभी कह कौन रहा है अभी कह रहा है विकास विकास कुछ कह रहा है ये हूं मैं विकास ठीक है और मैं फोटोग्राफ को पॉइंट करके शी से अपनी बात शुरू कर रहा हूं मतलब फोटोग्राफ में कोई एक लड़की होगी उस लड़की को दिखाकर मैं कुछ कह रहा हूं ठीक है तो ये है वो फोटोग्राफ इस फोटोग्राफ में कोई एक लड़की है इस फोटोग्राफ में एक लड़की है ठीक है अब देखो क्या कह रहा हूं शी इज द डॉटर ये लड़की किसी की बेटी है किसकी बेटी है ऑफ माय ग्रैंडफादर्स ओनली सन मेरे दादाजी के इकलौते बेटे की बेटी है ठीक है मेरे दादाजी के इकलौते बेटे की बेटी है मेरे जो दादाजी हैं उनका अगर एक ही बेटा है तो वो मेरे डैड होंगे ना मेरे जो ग्रैंडफादर है, उनका इकलौता बेटा उनका एक ही बेटा है मेरे ग्रैंडफादर के सन की ओनली डॉटर है शी इज दी शी इज द डॉटर ऑफ माय ग्रैंडफादर्स ओनली सन मेरे दादाजी के इकलौते बेटे की बेटी है ये तो मेरे दादाजी के अगर एक ही बेटे होंगे मतलब वो मेरे पापा होंगे ठीक है और अगर ये मेरे पापा हैं और ये मेरे पापा की बेटी है तो ये मेरी बहन होगी ये मेरी बहन हो जाएगी ठीक है ये मेरी बहन हो जाएगी तो हाउ इज द रिलेटेड टू विकास इन द फोटोग्राफ तो हाउ इज शी होना चाहिए ये हाउ इज शी रिलेटेड टू विकास इन द फोटोग्राफ तो शी इज माई सिस्टर ऑप्शन सी इज योर आंसर आई एम श्योर सब समझ में आ गया बोलो निर बोलो निस्टेड फॉर निशान सर इज चैलेंजिंग आईजी सर फॉर द टाइटल ऑफ पिकासो पिकासोन अकेडमी अच्छा आईजी आई जी पिकासो पिकासोन अकेडमी चलो ठीक है यार टाइटल वाइटल का क्या ही लेना बट ड्रॉइंग तो मेरी ज्यादा अच्छी होगी तो मेरी ज्यादा अच्छी होगी आईजी सर को ड्रॉइंग आती है क्या मैं सिखाता हूँ आईजी सर को ड्रॉइंग ठीक है ड्रॉइंग मेरी ज्यादा अच्छी है बेटे ओरिजिनल गैंगस्टर में सॉरी हाउ डू यू से यू नो आई सेम दी ऑफ सच रबिश ड्रॉइंग्स राइट these igs and mvs and pps and aas and sws and ads they can come and try to steal it it won't matter bro it just won't matter nothing's going to matter nothing's going to matter bro bro cuz i

आइए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन उसके बाद मैं आपको कुछ दो तीन क्वेश्चन में दूंगा एंड आई सी यू गाइस विनोद विनोद विशाल जो है वो इंट्रोडक्शन दे रहा है विशाल का तो मैं हूं विनोद ठीक है मैं बन जाता हूं विनोद और ये है सपोज विशाल ये है सपोज विशाल ठीक है अब मैं कह रहा हूं विशाल पता है कौन है सन ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ मेरे फादर की वाइफ के इकलौते भाई का बेटा ठीक है विनोद इंट्रोड्यूस विशाल एज विनोद विशाल मैं विशाल का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं कह रहा हूं ही इज द सन ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ माय फादर्स वाइफ मेरे फादर मेरे फादर ठीक है मेरे फादर की वाइफ यानी मेरी मॉम उनके इकलौते भाई मतलब मेरे अंकल मामा जी उनका बेटा ये उनका बेटा है तो ही इज द सन ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ मेरे फादर की वाइफ के इकलौते भाई का बेटा तो ये कौन हो जाएगा मेरा ये हो जाएगा मेरा कजिन ये हो जाएगा मेरा कजिन तो हाउ इज विनोद रिलेटेड टू विशाल तो अगर ये मेरा कजिन है तो मैं भी इसका कजिन तो ऑप्शन ए इज योर आंसर आई एम श्योर सब के समझ में आ गया बोलो द स्टेट फॉरएवर बोलो द स्टेट फॉरए आई होप आप लोगों को ये वाले क्वेश्चन करके और मजा आया होगा ठीक है तो मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क दे रहा हूं ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लेना क्वेश्चन नंबर थ्री ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करना 54. 55 आप होमवर्क में करना ठीक है थर्टी थ्री भी आप होमवर्क में करना फोर्टी फाइव आप होमवर्क में करना थर्टी सिक्स आप होमवर्क में मत करना ठीक है तो बस ये आज ज्यादा क्वेश्चन नहीं है होमवर्क में uh, एक फिफ्टी थ्री एक दो तीन चार पांच बस ये पांच क्वेश्चंस आप लोगों के लिए होमवर्क में है तो प्लीज इन क्वेश्चंस को जरूर करिएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने आंसर जरूर लिखिएगा कोई भी आपका डाउट है या कुछ भी आप कहना चाहते हो या कुछ भी अगर आप चाहते हो तो आप इसमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो और मैं आपको एक चीज बता देता हूं हमारा एकाग्रता जून ट्वेंटी बैच स्टार्ट हो गया था फ्रॉम ट्वेंटी ऑफ नवंबर टू ये उस बैच की हाईलाइट है ये उस बैच की हाइलाइट्स आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हो और ये उस बैच का टाइम टेबल है जब आप अकेडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लोगे तो प्लीज यूज माई कोड निश्चेन और यहां पर अप्लाई कर दीजिएगा तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा मैं आपको फटाफट से बता देता हूं कि आपको सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है तो आप अकेडमी की वेबसाइट पर आएंगे वेबसाइट पर आने के बाद आप स्टार्ट लर्निंग पर क्लिक करेंगे स्टार्ट लर्निंग पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज खुलेगा यहां पर आप अपना गोल सेलेक्ट करिएगा सीए सीए पर अरे सीए मेरे भाई सीए सीए पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर सीए फाउंडेशन दिखाई देगा आप सीए फाउंडेशन पर क्लिक करिएगा सीए फाउंडेशन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा आप यहां पर गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने तीन ऑप्शन आएंगे आइकॉनिक प्लस और लाइट यहां पर आप इन तीनों के बेनिफिट देख सकते हैं आप सेलेक्ट प्लस पर क्लिक करिएगा सेलेक्ट प्लस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अलग अलग टेनियर्स आ जाएंगे यहां पर आप मेरा कोड एंटर कर दीजिएगा निश टेन और अप्लाई कर दीजिएगा तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा तो जिस भी ड्यूरेशन का आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं आप उस ड्यूरेशन का सब्सक्रिप्शन लेकर मेरा कोड एंटर कर सकते हो तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा आई वुड रिकमेंड यू टू गो फॉर द कॉम्बो सब्सक्रिप्शन फॉर टू ईयर्स जिसमें से ये फाउंडेशन के साथ साथ इंटरमीडिएट भी इंक्लूडेड होता है तो जब आप यहां प्रोसीड टू तो पे पर क्लिक करोगे तो यहीं पर आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा टू एड इंटरमीडिएट एज वेल तो, well. तो यहां पर आप ऐड कर देंगे तो ये 44,550 फोर में आप लोगों को दो साल की वैलिडिटी के लिए सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट दोनों का कंबाइंड सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा सी यू टूमोरो टेक केयर अपना ध्यान रखिए बाय